हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2 मई के लिए यानी आज इंट्राडे के लिए बेहतरीन स्टॉक्स जिनके अंदर आप इंट्राडे के अंदर काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। एनालिसिस मैंने मल्टीपल चीज़ों पे की है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग से भी और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके ऊपर भी। यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा, उसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे लेवल्स लिखे हुए हो सकते हैं और लेवल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा भी कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। तो उनके ऊपर आप 5 मिनट और 15 मिनट की चार्ट लगा करके बाई सेल कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आ गए हैं पहले स्टॉक के ऊपर, वो पहला स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करके ये निकला है और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट भी कर दिया है और रिटेस्ट करने के बाद में जो लेवल दिख रहा है आपको इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल एबी कैपिटल 168.5 के ऊपर सस्टेन करे निकल के, तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी है। 173 का आपका टारगेट होना चाहिए, ये सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, 166.5 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो स्विंग के लिए है, पूरे वीक के लिए स्विंग के लिए एक नेक्स्ट नया वीडियो आने वाला है, उसके अंदर देखिएगा, वो भी यहाँ पे आपको हर सैटरडे या संडे को मिलता है। और ये जो इंट्राडे के लिए स्टॉक्स होते हैं हर दिन मॉर्निंग के अंदर 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, तो कोई भी आदमी इनसे छूट ना जाए और इनको सब लोग देखें। तो इतना शेयर कीजिए और काफ़ी लोग इसको देखिए, पूरा देखिए। तो दूसरा वाला स्टॉक है वो है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद में एक रेजिस्टेंस था, उसके पास में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करके निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे BEL 103.5 के ऊपर निकलता है, तो इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनानी है। 106 का पहला टारगेट होगा और 107 का दूसरा टारगेट होगा, इसके अंदर 103 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तीसरा जो स्टॉक है वो है हमारा यहाँ पे ICICI बैंक के अंदर भी देखोगे तो बहुत बेहतरीन यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है और इसके अंदर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद में ये ऊपर के साइड में गया है और यहाँ पे देखोगे कि ऊपर एक कंसोलिडेशन किया है। अब इस लेवल को ऊपर निकाल देता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लेवल, इस लेवल के अंदर ऊपर के साइड में ICICI बैंक 920 को पार करता है, तो यहाँ पे आपका बाइंग की पोजीशन होनी चाहिए। 928 का पहला टारगेट होना चाहिए और 935 का यहाँ पे दूसरा टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका 916 रुपये का होना चाहिए। ये हो गया। जो नेक्स्ट वाला स्टॉक है वो है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसका चार्ट आप कंप्रेस करके देखोगे तो बहुत बेहतरीन एक चैनल बनाया है, काफ़ी एक नीचे गिरावट के बाद में कंसोलिडेशन, इसको बोलोगे करेक्शन, और करेक्शन करने के बाद में ये ऊपर के साइड में गया ब्रेकआउट दे करके। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट दे करके यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा फ्लैग पैटर्न बनाया है, इसको कंसोलिडेशन बोलोगे और यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दोबारा से दिया है। अब यहाँ पे IEX 157 के ऊपर निकलता है तो बाइंग की पोजीशन होनी चाहिए। 161 का पहला टारगेट, 164 का दूसरा टारगेट होना चाहिए और 155 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये हो गया IEX। जो नेक्स्ट वाला स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के अंदर भी देखोगे तो काफ़ी चाल अच्छी आई थी और उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन होने के बाद में एक रेंज बनाई और उसको ऊपर के साइड में ब्रेक देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो भारतीय एयरटेल 802 यहाँ पे निकालता है ऊपर के साइड में, तो 806 का पहला टारगेट होना चाहिए, 812 का दूसरा टारगेट होना चाहिए और 816 का यहाँ पे तीसरा टारगेट होना चाहिए, आपका 796 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस इस प्रकार से बताएं कि जो ब्रेकआउट हो गया तो वो ब्रेकआउट वैलिड होना चाहिए, अगर वो ब्रेकआउट फॉल्स होता है तो वहाँ पे आपका छोटा सा ही लॉस होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि शेयर ब्रेकआउट कर रहा है तो ऊपर जाना चाहिए, अगर नहीं जाता है तो हमें कम लॉस होना चाहिए, अगर वापस घुस रहा है तो इसका मतलब उसके मन में कुछ खोट है, वो वापस ज़्यादा जा सकता है, तो हम तो कम लॉस के अंदर निकल जाएंगे, इसलिए स्टॉप लॉस मेरे छोटे होते हैं। तो ये आज के जो बेहतरीन ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स हो गए, इनके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। हर दिन ये मॉर्निंग के अंदर 6 बजे वीडियो आता है तो रोज़ाना देखिए, और अगर आपके पास ये कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेटर लेना है एकदम फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सअप नंबर भी सेंड करना है, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी सेंड करना है, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, ये आपको मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अपस्टॉक्स में अगर आपका अकाउंट है वो बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, साथ में आपका जो AMC है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है अपस्टॉक्स का, वो अब लाइफ टाइम के लिए 0 होगा, तो आप किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।